नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ में आज से नहीं मिलेगा राशन, हड़ताल पर राशन दुकान संचालक। शासकीय राशन दुकानों में काम करने वाले सेल्समैन अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर आज से हड़ताल पर हैं। राशन दुकानदार एवं विक्रेता कल्याण संघ छत्तीसगढ़ के बैनर तले नया रायपुर के तूता धरना स्थल पर प्रदेश व्यापी हड़ताल करेंगे। आज 2 अक्टूबर से सभी सेल्समैन ब्लॉक, जिला और तहसील स्तर पर अनिश्चितकालीन आंदोलन पर रहेंगे। राशन दुकानदार के आंदोलन में चले जाने से राशन दुकानों में सभी वर्गों को मिलने वाले राशन का काम पूरी तरह से प्रभावित रह सकता है। उन्नत ग्राम अभियान छत्तीसगढ़ की 6,791 आदिवासी बहुल गांव का होगा कायाकल्प। छत्तीसगढ़ में लगभग 32% जनजातीय जनसंख्या निवास करती है। इस अभियान के क्रियान्वयन के लिए 32 जिलों के 138 विकास खंडों के 6,691 आदिवासी बहुल गांव का चयन किया गया है। चयनित गांव में बुनियादी सुविधाओं के विकास के साथ साथ सामाजिक आर्थिक उन्नति के कार्य किए जाएंगे। जनजातीय बहुल इलाकों को देश की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए चलाए जा रहे इस महत्वाकांक्षी मिशन के क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ में संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ में पुलिस विभाग के भर्ती में आयु सीमा में मिली 5 साल की छूट। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश अनुसार और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की विशेष पहल से सरकार द्वारा पुलिस के पदों पर होने वाली भर्ती प्रक्रिया 2024 के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देने का आदेश जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थियों द्वारा आयु सीमा में छूट की मांग का संज्ञान लेते हुए उप मुख्यमंत्री ने अभ्यर्थियों को दिए आश्वासन को पूरा करते छूट का आदेश जारी किया गया है। ये छूट सूबेदार, उप निरीक्षक संवर्ग, प्लाटून कमांडर के पद पर नियुक्ति हेतु भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2024 में केवल एक बार के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष का शिथिलीकरण करते हुए निर्धारित आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान किया गया है। छत्तीसगढ़ को केंद्रीय परिवहन मंत्री की सौगात, सड़कों का बिछेगा जाल। छत्तीसगढ़ के सड़क परिवहन और बुनियादी ढांचे को नई दिशा देने के लिए केंद्र सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ये घोषणा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ एक समीक्षा बैठक के दौरान की। इस राशि से 4 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास किया जाएगा, जो राज्य की कनेक्टिविटी को और मजबूत करेगा। बैठक का आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने की। 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदेगी छत्तीसगढ़ सरकार। छत्तीसगढ़ सरकार ने 2024-25 खरीफ विपणन सत्र के लिए 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का अनुमानित लक्ष्य रखा है। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। जनसंपर्क विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि चालू खरीफ विपणन सत्र में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी और कस्टम मिलिंग की नीति की समीक्षा करने और सुझाव देने के लिए गठित मंत्रिपरिषद उप समिति की मंत्रालय नया रायपुर में सोमवार को हुई बैठक में ये फैसला लिया गया। छत्तीसगढ़ में अग्निवीर भर्ती रैली 4 से 12 दिसंबर तक। अग्निवीर भर्ती रैली को लेकर 26 सितंबर को रायगढ़ में एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सेना भर्ती कार्यालय रायपुर और जिला प्रशासन रायगढ़ के अधिकारी मौजूद रहे, जिसके बाद इस बात का फैसला लिया गया कि 4 से 12 दिसंबर तक रायगढ़ में अग्निवीर भर्ती रैली आयोजित की जाएगी। भारतीय थल सेना अग्निवीर भर्ती के लिए अप्रैल 2024 में पैन इंडिया पर आधारित ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का आयोजित किया गया। सीएम विष्णुदेव साय ने सूरजपुर जिले को दी करोड़ों की सौगात। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सूरजपुर जिले में करोड़ों के विकास कार्यों का भूमि पूजन, शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री साय ने लोक निर्माण विभाग सूरजपुर अंतर्गत 68,07,725 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले 7 कार्यों का शिलान्यास और 57,01,634 करोड़ की लागत से निर्मित 27 कार्यों का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण यात्रा की सेवा सूरजपुर अंतर्गत 44,82 लाख की लागत से निर्मित होने वाले 3 कार्यों का भूमि पूजन, शिलान्यास छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल अंतर्गत 43 लाख की लागत से निर्मित होने वाले हैं। तेलीबांधा और धनेली में कम होगा दबाव, फ्लाईओवर बनेगा, सीएम साहब बोले सभी प्रोजेक्ट समय पर होंगे पूरे।
केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में सड़कों के विकास तथा राजधानी से निकलने वाली सड़कों पर फ्लाईओवर की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सभी प्रोजेक्ट समय सीमा के भीतर पूरे किए जाएंगे। वे खुद ही इस पूरी परियोजना की मॉनिटरिंग करेंगे। उन्होंने कहा कि ये छत्तीसगढ़ के विकास के लिए एक बड़ी सौगात है। इससे छत्तीसगढ़ की औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियों को नई दिशा मिलेगी। सड़क नेटवर्क का विस्तार राज्य के ग्रामीण इलाकों की कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन सभी परियोजनाओं की नियमित रूप से समीक्षा करें। वे खुद इन परियोजनाओं की मॉनिटरिंग करेंगे। छत्तीसगढ़ में 4 दिन बंद रहेंगी शराब की दुकानें। राज्य सरकार के आदेश अनुसार अक्टूबर महीने में 4 प्रमुख अवसरों पर शराब की दुकानें बंद रहेंगी। सबसे पहले आज को महात्मा गांधी की जयंती पर शराब की बिक्री पर रोक रहेगी। इसके बाद 12 अक्टूबर को दशहरा, 17 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि जयंती और 31 अक्टूबर को दिवाली के अवसर पर भी शराब की दुकानें बंद रहेंगी। वहीं नवंबर में 2 दिन शराब की दुकानें बंद रखने का आदेश दिया गया है। साथ ही 15 नवंबर को गुरु नानक जयंती के मौके पर शराब की दुकानें बंद रहेंगी। ये दिन सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। इंश्योरेंस मोड पर आयुष्मान के संचालन पर हो सकता है निर्णय। डॉक्टरों की सहमति के बाद सरकार लेगी फैसला। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में आयुष्मान योजना ट्रस्ट मोड पर संचालित हो रही है। इसे इंश्योरेंस मोड पर चलाने को लेकर जल्द ही निर्णय लिया जा सकता है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि चिकित्सकों और विभाग के बीच व्यापक सहमति के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना को इंश्योरेंस व ट्रस्ट मोड में चलाने को लेकर चिकित्सकों और स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल के बीच निवास कार्यालय में चर्चा हुई। मुख्यमंत्री साय की घोषणा, 15 नवंबर को छत्तीसगढ़ के हर जिले में मनाया जाएगा जनजातीय गौरव दिवस। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर 15 नवंबर को छत्तीसगढ़ के हर जिले में जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की स्मृति में जनजातीय गौरव दिवस मनाने का निर्णय लिया है। इस वर्ष भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती है। छत्तीसगढ़ में भी इसे भव्य रूप से मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री के निर्देश पर दिल्ली में यूपीएससी तैयारी के लिए 135 सीटों की वृद्धि को वित्त विभाग से मिली मंजूरी। दिल्ली में रहकर संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने के इच्छुक छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए खुशखबरी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के निर्देश पर वित्त विभाग ने युवा उत्थान योजना के तहत ट्राइबल यूथ हॉस्टल में 135 सीटें बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। युवा उत्थान योजना के तहत छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिभाशाली युवाओं को दिल्ली में रहकर निःशुल्क यूपीएससी कोचिंग की सुविधा दी जाती है। विकास की ओर तेजी से बढ़ रहा छत्तीसगढ़ का जशपुर जिला, शिक्षा समेत अन्य सेक्टर में हो रहा काम। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रदेश के कोने कोने में विकास को पहुंचाने के लिए बिना रुके काम कर रही हैं। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा अलग अलग आयामों की तलाश की जा रही है। इसी उद्देश्य के साथ सीएम विष्णुदेव साय के मजबूत नेतृत्व में काम किया जा रहा है। सीएम विष्णुदेव साय के गृह जिला जशपुर में भी तेजी से विकास का काम किया जा रहा है। जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर को लेकर विकास की रोडमैप पर लगातार तेजी के साथ काम किया जा रहा है। जशपुर जिले के करीब 250 ग्राम पंचायत हाथी विचरण क्षेत्र में बिजली व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है। टैंक, मशीन गन और फाइटर प्लेन देखने का छत्तीसगढ़ में मौका। हेलीकॉप्टर से मैदान में उतरेंगे जाबाज कमांडो। साइंस कॉलेज रायपुर के मैदान में भारतीय सेना की ओर से 5 और 6 अक्टूबर को नो योर आर्मी मेला का आयोजन किया जा रहा है। मेले की तैयारियां अपने चरम पर हैं। मेले में आपको सेना के हथियार और फाइटर प्लेन देखने को भी मिलेंगे। मेले में फाइटर प्लेन, हेलीकॉप्टर, मशीन गन और कई जंगी साजो सामान नजर आएगा। सेना के जवान जब कदम ताल करते हुए साइंस कॉलेज के मैदान में उतरेंगे तब आपके जोश का पैमाना सातवें आसमान पर होगा। खुद सीएम विष्णुदेव साय ने भी कहा है कि सेना को करीब से देखने का अनुभव अपने आप में अनोखा होगा। युवाओं को जरूर यहां जाना चाहिए। बोनस पर बड़ा झटका, इन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा लाभ। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में मजदूर हर जगह नियमित कर्मचारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। कोल इंडिया के रुख से आउटसोर्सिंग या ठेका कर्मियों की नवरात्रि इस साल भी फीकी रहने वाली है। इस बार भी बोनस का लाभ नहीं मिलने वाला है। इससे ठेका मजदूरों में आक्रोश है। SECL की मेगा प्रोजेक्ट गेवरा, दीपका या कुसमुंडा को हो अथवा कोरबा एरिया के अंतर्गत संचालित अंडरग्राउंड या ओपन कॉस्ट कोला खदानी या यहां आउटसोर्सिंग के मजदूरों की भूमिका महत्वपूर्ण है।
रायपुर में होगा इंटरनेशनल मास्टर T20 लीग मैच, भारत ऑस्ट्रेलिया समेत 6 टीमों के बीच होगा मुकाबला। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक बार फिर फटाफट क्रिकेट मैच देखने को मिलेगा। जानकर खुशी से झूम उठेंगे कि रायपुर में इंटरनेशनल मास्टर लीग T20 मैच होंगे। वहीं लीग मैच में भारत समेत 6 देशों की टीमें हिस्सा लेंगी। सचिन तेंदुलकर भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगे। बता दें कि रायपुर के अलावा मुंबई, लखनऊ में मैच होंगे। जानकारी के अनुसार सुनील गावस्कर को लीग का कमिश्नर बनाया गया है, जबकि सचिन तेंदुलकर कप्तान की भूमिका में नजर आएंगे। एथेनॉल प्लांट के विरोध में प्रदर्शन जारी, किसानों ने पुलिस पर लगाया आरोप। ग्राम पथर्रा में एथेनॉल प्लांट के विरोध में 8 दिनों से धरना प्रदर्शन जारी है। आंदोलन कर रही 4 लोगों के खिलाफ पुलिस द्वारा अपराध दर्ज किए जाने के बाद सोमवार को आधे आंदोलन करने वाले स्थल पर रहे वहीं आधे लोगों ने जिला मुख्यालय में रुख किया। धरना स्थल को संबोधित करने पहुंचे कांग्रेस नेत्री शशि प्रभा गायकवाड़ ने अपनी बात रखते हुए प्रदूषण वाले कारखाना को विरोध किया। एथेनॉल प्लांट को बंद करने शांतिपूर्ण आंदोलन का आज 8वां दिन है। स्कूल कॉलेज में अब प्राचार्य भी धूम्रपान करने वाले व बेचने वालों का काट सकेंगे चालान। कोटपा एक्ट के तहत जिले को धूम्रपान मुक्त जिला बनाने का लक्ष्य रखकर कार्य किया जा रहा है। इसके तहत सरकारी कार्यालय और स्कूल कॉलेज को धूम्रपान मुक्त बनाने कलेक्टर ने सभी राजपत्रित अधिकारियों को धूम्रपान करने और बेचने वालों के खिलाफ चालानी कार्यवाही करने की शक्ति दी है। ऐसे में अब स्कूल कॉलेज के दायरे में आने वाले पान ठेला और उस क्षेत्र में गुटखा सिगरेट पीने वालों पर प्राचार्य चालानी कार्यवाही करते हुए संस्थान को धूम्रपान मुक्त बनाने का कार्य करेंगे। भूपेश बघेल बोले, रमन सरकार में स्वीकृत सड़कें अब तक बंद, छत्तीसगढ़ की सभी सड़कें खराब। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल झारखंड के दौरे से लौट आए हैं। एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में कहा गया है कि झारखंड में जिला और ब्लॉक स्तर के पदाधिकारी का प्रशिक्षण शिविर था, जिसमें मुझे वक्ता के रूप में बुलाया गया। बघेल ने कहा कि झारखंड में कांग्रेस को लेकर बहुत अच्छा माहौल है। बीजेपी जिस तरह से तोड़फोड़ कर रही है, पूरे देश में उसका नुकसान आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा। गठबंधन की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। वहां के किसानों और गरीबों के लिए लोक कल्याण कार्यकारी योजनाएं प्रारंभ की, उसका काफी असर है। महादेव सट्टेबाजी ऐप मामला, छत्तीसगढ़ के कारोबारी की जनामत याचिका पर 3 अक्टूबर को होगी सुनवाई। उच्चतम न्यायालय ने महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप से जुड़े धन शोधन मामले में गिरफ्तार छत्तीसगढ़ के कारोबारी सुनील दम्मानी की जमानत याचिका पर 3 अक्टूबर को सुनवाई करने के लिए सहमति जताई। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ से जेल में बंद कारोबारी के वकील ने आग्रह किया कि जमानत याचिका पर तत्काल सुनवाई की जरूरत है। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का रिजल्ट घोषित, 703 उम्मीदवार इंटरव्यू के लिए पास। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने सिविल सर्विस मेंस का रिजल्ट 2023 घोषित कर दिया है। इंटरव्यू के लिए कुल 703 उम्मीदवारों को चुना गया है। जिन उम्मीदवारों ने छत्तीसगढ़ स्टेट सर्विस मेंस परीक्षा में भाग लिया है, वे छत्तीसगढ़ PCS रिजल्ट 2023 का PDF आयोग की आधिकारिक वेबसाइट psc.cg.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF में सफल उम्मीदवारों का रोल नंबर, नाम एवं डेट ऑफ बर्थ है। जिन उम्मीदवारों का नाम इस लिस्ट में दर्ज है, केवल वे ही इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई माने जाएंगे। नसरुल्ला की मौत का मातम, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में निकाला गया कैंडल मार्च। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हिजबुल्ला प्रमुख नसरुल्ला की मौत के विरोध में शिया समुदाय ने कैंडल मार्च निकाला और शोक मनाया। समुदाय के सदस्यों ने काले कपड़े पहनकर अपना विरोध प्रदर्शित किया और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद कर दिया। ज्ञात हो कि देश दुनिया के कई हिस्सों में इसराइल हमले में नसरुल्ला की मौत पर शिया समुदाय से संबंध रखने वाले लोग इसराइल, अमेरिका और सऊदी अरब से नाराज हैं। छत्तीसगढ़ में अब सताएगी तेज धूप, प्रदेश में बारिश के आसार कम। छत्तीसगढ़ में बारिश पर ब्रेक लग सकता है। इन दिनों मॉनसून कमजोर होने की वजह से बारिश की गतिविधियों में कमी आई है। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के जिलों में तेज धूप निकली है। बारिश का सिस्टम कमजोर होने की वजह से दिन का पारा 35 डिग्री तक पहुँच गया है। हालांकि इस बीच मानसून की वापसी पर बारिश हो सकती है। हिमाचल, गुजरात समेत 14 बाढ़ प्रभावित राज्यों को बड़ी राहत। केंद्र सरकार ने जारी किए 5,858 करोड़ रुपए।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य आपदा मोचन कोष से केंद्रीय हिस्से के रूप में और राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष से अग्रिम राशि के रूप में 14 बाढ़ प्रभावित राज्यों को 5,858 करोड़ जारी किए हैं। मोदी सरकार प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्यों के लोगों की मुश्किलें कम करने में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। बाढ़ प्रभावित राज्यों असम, मिजोरम, केरल, त्रिपुरा, नागालैंड, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और मणिपुर में नुकसान का मौके पर आकलन करने के लिए अंतर मंत्रालयीय केंद्रीय दल भेजे गए थे। इसके अलावा बिहार और पश्चिम बंगाल में नुकसान का मौके पर आकलन करने के लिए जल्द ही टीमें भेजी जाएंगी। सरकार ने शुरू की पीएमई ड्राइव सब्सिडी योजना। सरकार ने मंगलवार को 10,900 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना शुरू की। इसका उद्देश्य भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाना, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करना और ईवी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम विकसित करना है। ये योजना 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।